हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। पैसे स्टडी में आपको बताएंगे अपने ट्रू कॉलर की जो सर्च हिस्ट्री होती है, जो आप नंबर सर्च करते हैं उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन खोल लेनी है और छोटा सा एक दो मिनट का वीडियो होगा, इसको पूरा देखिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ओके, यहाँ पर गाइस पहले हम इसको देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ट्रू कॉलर में खोल लिया है। अब आपको टॉप पे जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च नंबर्स नेम्स एंड मोर, आप इस पर जब टाइप करेंगे तो देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आपकी सर्चेज दिखती है। तो जिन नंबर को आप सर्च करते हैं वो सर्च रिजल्ट आपको यहाँ पे सारी की सारी सर्च हिस्ट्री दिखती है। तो इसको डिलीट करना बहुत सिंपल है गाइस, हम बताते हैं उसको क्या करना है। जो जो चीज़ें आप यहाँ पे सर्च करते हैं आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिलती है, देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर हिस्ट्री, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। ओके, क्लियर हिस्ट्री पे आपको टैप करना है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर रिसेंट सर्च रिजल्ट्स, उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। ओके, इसे डिलीट करने के देख सकते हैं आपकी सारी की सारी सर्च हिस्ट्री गाइस चली गई। तो एक बार हम आपको फिर दिखा देते हैं कि मेरी सर्च हिस्ट्री जा चुकी है कि नहीं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिर से टाइप कर दिया है। अब हम जब जा रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कोई सर्च हिस्ट्री नहीं है। तो गाइस, आप इस तरह से अपनी ट्रू कॉलर की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।